कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक तरफ जहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा तो वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय उन्होंने कई बार कहा कि नेशनल हाईवे की DPR बनाकर भेजो, मैं पैसा देना चाहता हूं, लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार ने DPR बनाकर नहीं भेजी, काम भी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में BJP की सरकार सत्ता में आई है तब से हिमाचल में 1706 किलोमीटर NH थे और अब यहां 7000 किलोमीटर NH हो गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, आज भी वे 5000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू करने जा रहे हैं। चंबी मैदान में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्रों के पन्ना प्रमुख में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से हिमाचलियों को पानी में उतरने वाले जहाज का सपना भी दिखाया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल में पानी में उतरने वाले हवाई जहाज शुरू करेंगे, हिमाचल में बहुत झीलें हैं, ऐसे में लोग एयर स्ट्रिप से उड़ेंगे और दूसरी जगह पानी में ही उतरेंगे, इससे समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा होना कठिन बात नहीं है, वे हिमाचल के लोगों को सपना नहीं दिखा रहे हैं और जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि वे दिन दूर नहीं जब हिमाचल में पानी में उतरने वाला जहाज भी चलेगा। जनता पार्टी को साथ दिया, मोदी जी को साथ दिया, जयराम जी को साथ दिया, शांता कुमार जी को साथ दिया, इसी के कारण यह तस्वीर बदल रही है। आज 5000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ। यह आपके कारण हो रहा है। आप अगर शांता कुमार जी को नहीं जिताते, हमारी सरकार नहीं आती, और अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो 5000 करोड़ कहां से आते? आपके कारण हुआ, आपकी ताकत, आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी तो मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल देंगे और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीर को बदल देंगे और ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर चलती है, 260 लोग बैठते हैं, रोपवे, केबल कार, फनेकुलर रेलवे, और हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है। यहां रेलवे बन नहीं सकती, बहुत पैसा लगता है। हमारे वेबकॉस करके कंपनी ने उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया और देश में अनेक काम कर रही है। मैंने उनको जयराम जी के पास भेजा था, टेक्निकल DPR बनाने के लिए हम तैयार हैं। 100% सरकार की मालकी की कंपनी है। मैं जयराम जी को कहूंगा कि अब हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, फेनाकुलर रेलवे, रोपवे, केबल कार, डबल डेकर बस, करीब 25 टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन हुआ है, आप इसकी शुरुआत करिए। भारत सरकार पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, मेरा प्रिय प्रोजेक्ट है कि पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज को मैं शुरू करना चाहता हूं। काम करने के लिए DPR बनाने की प्रक्रिया गतिशील हुई है। दो बड़े प्रोजेक्ट, एक 25000 करोड़ के रोड और वाटर रिसोर्सेस का भी मंत्री मैं हूं। रेणुका बांध की परियोजना करीब 5000 करोड़ की है, जिससे 90% भारत सरकार दे रहा है। उसके लिए भी साइन सभी 6 राज्यों के बीच में हुआ है। किशाऊ 660 मेगावाट विद्युत होगी, 12000 करोड़ का काम है। वो दोनों कामों को हमने मंजूरी दी है और इसमें 90% राशि भारत सरकार देगी। यानी आप समझ लीजिए कि कम से कम 15 से 16 हजार करोड़ इरिगेशन के और 25000 करोड़ रोड के, केवल 40000 करोड़ मेरा डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश को देने वाला है। पर ये हम क्यों दे सके? ये इसलिए दे सके, इसका श्रेय मुझे नहीं है, जयराम जी को नहीं है, शांता कुमार जी को नहीं है, मोदी जी को नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए हिमाचल प्रदेश की कार्यकर्ताओं को, जनता को। अगर आप शांता कुमार जी को चुनकर नहीं देते और अगर हमारी सरकार ही नहीं बनती
तो ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ना मैं मंत्री बनता तो हम काम कहां से कर सकते हैं।